देखिए 2016 से टीवी पर एक ऐसा शो आ रहा है जो लोगों को भरपूर एंटरटेन कर रहा है और अब तक करते आ रहा है। मुझे लगता है मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ कपिल शर्मा शो के बारे में। अब इसी शो से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर आ रही है जिसे सुनने के बाद लोग थोड़ा मायूस और उदास हो गए हैं और वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं हमसे भी कि क्या ये सच में होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मेरी वीडियो उसी पर है। देखिए कपिल कहीं नहीं जा रहे हैं, वो जा ही नहीं सकते क्योंकि आप उन्हें इतना ज्यादा प्यार देते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि कपिल छोटा सा मिनी ब्रेक लेंगे और वो किस कारणवश लेंगे मैं आपको बताती हूँ। 2021-22 के वक्त भी कपिल शर्मा इंटरनेशनल टूर पर गए थे अपनी पूरी टीम के साथ, जहां पर उन्होंने यूएसए, कनाडा और वैंकूवर जैसी जगहों पर परफॉर्म किया था, अपने इंटरनेशनल फैंस को एंटरटेन किया था, उनसे मिले थे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद 3 महीने बाद वो उन्होंने कमबैक किया था नए सीजन के साथ, नए कंटेंट और नए लोगों के साथ, यानी कि नए चेहरों के साथ। ऐसा ही कपिल इस बार भी करने वाले हैं 2023 में। कपिल हाल फिलहाल में एक मिनी सा ब्रेक लेंगे जहां पर वो फिर से यूएसए जाएंगे, अपने इंटरनेशनल जितने भी फैंस है और जो टूर उनके इंटरनेशनली होने वाला है उसे वो अटेंड करेंगे। उसके बाद वो 3-4 महीने के बाद फिर कमबैक करेंगे एक नए सीजन के साथ, एक नए कंटेंट और एक नए चेहरे के साथ। देखिए बहुत जरूरी भी होता है ये छोटा छोटा ब्रेक लेना, क्योंकि उसके बाद आपका दिमाग थोड़ा ओपन हो जाता है और आपको नए कंटेंट की हमेशा से खोज होती है कि आप क्या आगे चलकर अपने जितने भी फैंस हैं उन्हें पेश करेंगे। तो कपिल का दिमाग वैसे भी खुराफाती है, तो शायद वहां जाकर उन्हें कोई और नया आइडिया आएगा। इसलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कपिल गायब हो जाएंगे या उनका शो बंद होने वाला है, तो इन सब खबरों पर भरोसा मत करिएगा, क्योंकि 2016 से जो कपिल ने प्रण लिया है लोगों को एंटरटेन करने का, हंसाने का, वो अब तक करते हुए आ रहे हैं और ये कारवा बहुत ही लंबा चलने वाला है, ये बीच में नहीं रुकेगा। और हाँ, जो कपिल का लास्ट एपिसोड था जिसमें सलमान खान अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान क्या प्रमोशन करने के लिए पहुंचे थे पूरी कास्ट के साथ, वो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। और एंटरटेनमेंट की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ENT Live।